आयुर्वेदिक फेस क्रीम ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रश्क गौरी। आज हम बात करेंगे महंगाई की, जो डायन की तरह गरीब और मिडिल क्लास को खाए जा रही है। और वो गाना भी है ना, सखी सैया तो खूबई कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। शायद आज के ही सिनेरियो को लेकर इस गाने को भी लिखा गया और गाया गया। महंगाई से आज आम आदमी का जो जीना है वो दुश्वार हो गया है। बावजूद इसके चाहे केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें, कोई भी महंगाई पर काबू पाने के लिए उतने ठोस कदम नहीं उठाती दिख रही हैं जितने की उठाए जाने चाहिए। मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल की महंगाई ने तो देश में हाहाकार मचाकर रखा हुआ है। भारत के तमाम राज्यों में महंगे तेल को लेकर लोग आग बबूला है, जो स्वाभाविक भी है क्योंकि ये स्थिति तब है जब बीते 20 दिन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी देखी गई है, लेकिन घरेलू बाजार में इसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 20 दिनों में डीजल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़ गई है और इतने दिनों में पेट्रोल का दाम भी करीब 9 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। ऐसे में जो लोग जहां पहले से ही कोरोना के चलते परेशान हैं, अब तेल ने भी उनकी टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पेट्रोल डीजल महंगाई है और ऐसे में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें भी महंगी हो चली हैं। दरअसल हर सामान वाहनों में लोड होकर ही दुकानों या गोदामों तक पहुंचता है और फिर हम उसे लेते हैं, और ऐसे में पेट्रोल डीजल जितना महंगा होगा, सब्जियों समेत अन्य सामानों के दामों में भी उछाल आएगा। तो सवाल ये है कि आखिर तेल के साथ बाकी जरूरी चीजों पर महंगाई की मार से जनता को निजात आखिर कब मिलेगी। आज इस सवाल का जवाब जानना बेहद जरूरी हो चला है, लिहाजा जनता मांगे जवाब में आज बात महंगाई की मार को लेकर ही। देश में फैली है चारों तरफ महंगाई, गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मन है महंगाई और हर जगह है भ्रष्टाचार। आम जन का जीवन हो रहा है बेहाल। आज चेहरे से दूर हो गई है मुस्कान, जनता चौतरफ झेल रही है महंगाई की मार। महंगाई ये शब्द ही चुभने वाला है, लेकिन आज देश का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो इसकी मार से बचा हो। मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता में काबिज हुए 6.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन इस दौरान महंगाई कभी कम नहीं हुई है, बल्कि और हुंकार मारती चली गई। पेट्रोल डीजल से लेकर दाल चावल आटा रोजमर्रा के कई सामान महंगे ही होते जा रहे हैं। सभी चीजों के दाम तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन तनख्वाह उतनी नहीं है और तमाम लोग तो बेरोजगार हैं, और ऐसे में उनका आज के दौर में जीना भी दुश्वार हो गया है। लिहाजा अब सब यही सवाल पूछ रहे हैं, महंगाई की मार आखिर कब तक। चलिए इस बड़े सवाल को लेकर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से देश में हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज महंगा होता तेल लोगों की टेंशन को बढ़ा रहा है। बावजूद उसके केंद्र सरकार है कि राहत देने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी ओर दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तकरीबन हर राज्य में गैर भाजपाई सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। कांग्रेस समेत कई दलों के दिग्गज नेता खुद लगातार सड़क पर आकर महंगे पेट्रोल और डीजल को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल महंगा, बीपी खरीदने में, ग्लव्स खरीदने में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार,
बढ़ता जा रहा है कि जब देश में लॉकडाउन की स्थिति है, जब देश की आर्थिक स्थिति खराब है, जब मिडिल क्लास जो बेचारे गरीब मजदूर ऑटो ये सब बेचारे जो बस वाले ये जब इतनी बुरी मंदी से देश गुजर रहा है तब इतनी वृद्धि करने की क्या जरूरत है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देश के कई राज्यों के मुकाबले पेट्रोल डीजल काफी महंगा बिक रहा है। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता इसके अलावा और भी कई बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम मध्य प्रदेश के किसी शहर की तुलना में कम ही है। दिल्ली में डीजल पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। देश की राजधानी में पेट्रोल का रेट जहां 80 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर है तो वहीं डीजल 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 86 रुपए 91 पैसे और डीजल 78 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल का दाम 80 रुपए 33 पैसे और डीजल 77 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 81 रुपए 82 पैसे और डीजल 75 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर है। वहीं भोपाल में पेट्रोल डीजल के दाम इन सभी बड़े शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 87 रुपए 72 पैसे तो डीजल 79 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर है। छत्तीसगढ़ की जनता भी महंगे पेट्रोल और डीजल से पस्त है। राजधानी रायपुर की बात करें तो पेट्रोल 78 रुपए 92 पैसे और डीजल 77 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर है। मतलब यहाँ भी पेट्रोल और डीजल के दाम तकरीबन दिल्ली जैसे ही। देखा जाए तो तेल हर जगह में और लोग इससे आग बबूला है। ऐसा है कि डीजल का रेट बढ़ा है 9 रुपए 29 पैसा और पेट्रोल में वृद्धि हुई 8 रुपए 51 पैसे। एक तो पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक कहाँ कहाँ से जुगाड़ कर रही, 3 महीने से बहुत परेशान है पब्लिक। ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए। इनकम ही नहीं होगी, खर्चे तो बड़े हुए हैं, खर्चे तो रेगुलर है हर किसी का, बंद गया खर्चा तो उसको कम कैसे करेगा। रेट कम होना चाहिए, पेट्रोल का रीजनेबल होना चाहिए। पेट्रोल डीजल महंगा है, ऐसे में रोजमर्रा में उपयोग होने वाली चीजें भी महंगी हैं, क्योंकि कोई भी सामान वाहनों में लोड होकर दुकानों या फिर गोदामों तक पहुंचता है और फिर हम उसे लेते हैं, यानी कि हर ओर से बेहाल आम आदमी ही है। और जिस तरह की देश और प्रदेश की सरकार महंगाई को कम करने का प्रयास करती है उसे देखकर लगता नहीं है कि महंगाई रूपी डाइन से हमें जल्द ही निजात मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस। पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी है, हर रोज तेल के दाम बढ़ रहे हैं और लोग पस्त हो रहे हैं। जनता परेशान होकर ये पूछ रही है कि महंगाई की मार और कब तक पड़ेगी। चलिए इसी बड़े सवाल को लेकर अब चर्चा का दौर शुरू करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और भोपाल स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है पेट्रोल पंप एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अजय सिंह जी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो संजय जी सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी कि आम आदमी का तेल निकल रहा है और राजनीति का खेल जोरों पर चल रहा है। देखिए वास्तव में आज चर्चा का विषय, पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा का विषय बना है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है, इसको हम स्वीकार करते हैं, कोई राजनीति का विषय या राजनीति का खेल नहीं है। और इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि पुराने यदि हम इतिहास को देखें देश की आजादी के बाद से जिस पेट्रोल डीजल को लेकर हम चर्चा करते हैं कि पेट्रोल वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके दाम कम है, ये बात सत्य है, लेकिन ये स्थायी तौर पर रहता है कम रहता है ये भी सत्य नहीं है, ठीक है। इसके मूल्यों में वृद्धि भी होती है। दूसरा विषय ये है कि अभी वैश्विक महामारी जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण चल रहा है और ऐसे समय में जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन के अंदर में सरकार की आर्थिक स्थिति वित्तीय स्थिति चाहे वो केंद्र की हम बात करें चाहे राज्यों की स्थिति क्या है, ये किसी से छिपा हुआ मामला नहीं है और उन परिस्थितियों से जूझने की आवश्यकता, उन परिस्थितियों में सरकार को जवाबदारी है। संजय श्रीवास्तव जी तो क्या इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाए? बीजेपी ये साफ कह दिए ना कि भारत माता की जय लगाई जय कीजिए, भारत माता की जय कार्य के नारे लगाइए और देश हित में सीधे सीधे 100 रुपए का पेट्रोल लीजिए, 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल लीजिए। आप सीधे कहिए, साफ कहिए। किसान का जो प्रत्येक व्यक्ति है ना,
वो यदि आप ये कह रही हैं कि महंगाई के कारण वो भारत माता की जय नहीं कहना चाहे तो इसको मैं एक तरह से खारिज करता हूँ। हर परिस्थितियों में, हर विपरीत परिस्थितियों में नहीं, आप सर्टिफिकेट दे देंगे, भारत माता की जय ही करेगा। हाँ। ये तो चंद वो लोग हैं, सुन लीजिए पहले मेरी बात, सुन लीजिए पहले मेरी बातचीत हो जाए। चंद वो लोग हैं जिनको विरोध करना है, चाहे वो चाइना के नाम पर करना है, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है, चाहे दूसरी वजह से करना है, तो वो लोग कर सकते हैं, हर परिस्थितियों में सवाल खड़ा कर सकते हैं। देखिए मांग और सप्लाई और परिस्थितियों के अनुसार कि आज स्थिति क्या है, यदि मैं पूरी चर्चा करूं, यदि हम केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं करूं, तो यदि पूरी आर्थिक स्थिति की मैं बातचीत करूं तो हम बहुत बेहतर स्थिति में खड़े हैं कांग्रेस की सरकार के समय। लेकिन अभी मैं कांग्रेस की सरकार या पेट्रोल कब डलवाया था अपनी गाड़ी में, जो फैक्ट्स हैं, जो एक प्लीज कुड यू टेल मी लास्ट टाइम आपने पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ी में कब डलवाया था। कोरोना संक्रमण के समय आपको भी जानकारी है, कोरोना संक्रमण के समय जो जानकारी है, कोरोना संक्रमण के समय अभी तमाम प्रकार के जो हमारे कर हैं, टैक्सेस हैं, चाहे हम जीएसटी की बात करें, चाहे हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, ये टैक्स कलेक्शंस भी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम इन टैक्स कलेक्शन नहीं करने के कारण हम कोरोना संक्रमण के समय, चाहे वो प्रवासी मजदूर हैं, गरीब हैं या तमाम प्रकार के लोग हैं, उनको हम सहायता नहीं करें, इस चीज को हम रोक नहीं सकते हैं। ऐसे समय में सरकारों को डिविडेंड घटा देना, तो केंद्र सरकार देखे डिविडेंड, ये जो टैक्सेस है तेल कंपनियों के डिविडेंड एक साल ना ले, नेक्स्ट ईयर से लेने लगे। केंद्र सरकार ये तो कर सकती है ना कि वो तेल कंपनियों के डिविडेंड एक साल के लिए ना ले, नेक्स्ट ईयर से ले ले। अगर कोरोना काल चल रहा है, देश की जनता का इतना ख्याल है, तो आप लोगों को भी कदम उठाना पड़ेगा ना। शर्मा जी आपका रुख करना चाहूंगी संजय जी की बातों से, हम जो कर रहे हैं ठीक है। देखिए हम जो कर रहे हैं वो उस तरह के टैक्स हैं, उस तरह के दाम हैं जो सब में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये मैं मानता हूं कि लगभग देश की जितनी आबादी है, देश की जितनी आबादी है, हर एक परिवार के हर एक व्यक्ति के पास में जो पेट्रोल डीजल का उपयोग करता है, और यदि कोई बड़ा भार सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके बाद कोई राशि एकत्रित होती है, उस राशि को हम वो वर्ग जो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है कोरोना संक्रमण के समय में, यदि उनको हम कई लाख करोड़ की मदद करते हैं, चाहे वो उद्योग की बात है, प्रवासी मजदूर की बात है, गरीब वर्ग की बात है, यदि हम उनकी हेल्प करते हैं, तो मुझे लगता है कार्य योजना बनाकर कहीं ना कहीं इस तरह की आवश्यकता है। इसलिए ये कुछ जो समय है कोरोना संक्रमण का, उसके लिए एक आर्थिक मजबूती की आवश्यकता है, और ऐसे समय में देश का जो रहवासी या देश का वासी है वही सहयोग करता है सरकारों को, और सरकार के माध्यम से सरकार उनकी सहयोग करती है। तो मुझे लगता है ये अस्थायी चीजें हैं, इसलिए इस पर कोई बहुत गंभीर या बड़ा विषय नहीं है कि हम इसको मुद्दा बनाएं। सर आपको ये गंभीर विषय नहीं लगता, सर आपको ये गंभीर विषय नहीं लगता है कि ये पेट्रोल और डीजल का बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको ये गंभीर विषय नहीं लगता? आप शायद आपकी आपका जो डेली रूटीन है, दिनचर्या है, शायद आप प्रभावित नहीं हो रहे होंगे, लेकिन देश की जो जनता है सर, जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है, और जो गरीब संक्रमण के समय वो प्रवासी मजदूर, वो गरीब आदमी जिनकी सहायता करना है, वो आवश्यक है। तो आप सीधे सीधे पेट्रोल पे फिर दो तरह के टैक्स क्यों, पेट्रोल पे दो तरह के टैक्स लगा रहे हैं आप, क्यों लगा रहे हैं फिर, मत लगाइए ना आप थोड़ी बहुत। मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रही हूँ कि तेल कंपनियों का डिविडेंड, तेल कंपनियों का डिविडेंड एक साल के लिए केंद्र सरकार, एक साल के लिए सरकार क्यों नहीं बंद कर देती है, नेक्स्ट ईयर से उसको चालू कर दे, अगर एक साल के लिए डिविडेंड अगर नहीं लिया जाएगा तो शायद ठीक है। मैं समझ गई, ठीक है, इस विषय पर केंद्र सरकार निर्णय करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि एक्साइज टैक्स बढ़े हैं, तो मुझे लगता है कि राज्यों को भी इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। राज्य वेट कम कर दे, छत्तीसगढ़ में हमने वेट कम कर दिया था हमारी सरकार के समय, लेकिन कांग्रेस ने उसे वापस लिया, आज यहाँ पर वेट टैक्स भी लग रहा है, यहाँ पर सेस भी लग रहा है। तो मुझे लगता है जो एक फेडरल सिस्टम है, जो एक केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है, राज्यों को भी इसमें थोड़ी सी कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, लेकिन आज हमें केंद्रीय फंड इकट्ठा करके सभी राज्यों को मदद करने की आवश्यकता है कोरोना संक्रमण। तो सारा का सारा फंड आप पेट्रोल और डीजल से निकाल लीजिए, और आप शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर सिर्फ बात यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की नहीं है श्रीवास्तव जी, बात यहाँ पे ये है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जो दैनिक सामग्री है वो भी बेतहाशा बढ़ती है। टमाटर आज 40 रुपए किलो मिल रहा है, जो इस सीजन में जो 5 रुपए से 7 रुपए किलो मिलती है जो चीज, वो 40 रुपए किलो हो गई है। प्याज जहां 8 रुपए किलो था वो 25 रुपए किलो हो गया है, और जहां भिंडी अगर 10 रुपए पाव मिलता था तो वो आज 60 रुपए किलो मिल रहा है। तो आपको ये भी समझना होगा कि बात सिर्फ यहाँ पे पेट्रोल और डीजल की नहीं है। ये कोरोना संक्रमण का समय है,
तो आप साफ बोलिए ना, आप साफ बोलिए, आपसे अगर आपसे हिसाब प्रधानमंत्री केयर फंड का मांगा जाएगा, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का मांगा जाएगा तो आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप देश के नाम पे कोरोना काल के नाम पे सिर्फ टैक्स लगाते जाएंगे और आप ये सोचें कि हम सवाल नहीं करें तो हम सवाल करेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी ठीक है, मैं सुरेंद्र जी को भी ज्वाइन कर लेती हूँ क्योंकि उनकी भी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी हो जाती है। सुरेंद्र जी, इसका मतलब तो ये है कि 6.5 साल में जिस तरह से जो पेट्रोल और डीजल के दामों में महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है और इन तमाम सालों में जो दाम बढ़े हैं उसके लिए सीधे सीधे आज भी मनमोहन सिंह ही जिम्मेदार लगते हैं? देखिए संजय भाई ने बहुत सारी बातें कही और इसमें या तो ये गलत बोल रहे हैं या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गलत बोल रहे हैं। हमको तो प्रधानमंत्री के जो 6 साल पहले के जो भाषण हैं वो स्मरण में आते हैं, जब वो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, आज ही लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए, अवका करना चाहिए, ढमका करना चाहिए, महंगाई में सहयोग करना चाहिए। अरे कल जब कांग्रेस के जमाने में जब पेट्रोल का रेट 1 रुपये बढ़ जाता था तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने छाती पीटा करते थे, सड़कों पर ढोल लेके निकला करते थे, महंगाई मार गई, डायन खा गई। माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे, मित्रों पेट्रोल का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, रुपया का रेट गिरा कि नहीं गिरा, तुम्हारा जीना मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ, तुम तकलीफ में हो कि नहीं हो। आज पूरे हिंदुस्तान की जनता तकलीफ में है, आज लोगों के रोजगार घट रहे हैं, उद्योग बंद हो रहे हैं, लोगों के पास 3 महीने से खाने के लिए नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है। पेट्रोल के दाम पिछले 20 दिन में 10 रुपया 29 पैसा बढ़ा दिया। मैं एक कीर्तिमान स्थापित किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि उन्होंने मतलब पेट्रोल और डीजल को बराबर भाई भाई बना दिया। ये जो स्थिति है इसको हिंदुस्तान की जनता कितना बर्दाश्त करेगी? नेता जो है अपनी मनमर्जी का काम करें, नेता अपने सारे शौक पूरे करें और हिंदुस्तान की जनता बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा करारा जवाब दिया है कि नेता अपने सारे शौक पूरे करें। तो जब अगर चाहे फिर अगर किसी राज्य की विधानसभा हो, फिर चाहे अगर केंद्र सरकार हो, जब सांसद और विधायकों के भत्तों में इजाफा करती है तो इसी तरह से अगर आप लोग अपोज करें कि नहीं नहीं महंगाई बहुत है, ये जो सारा पैसा है वो टैक्सेशन से आता है, यहाँ पे नहीं इस तरह का कुछ किया जाए कि नहीं पेट्रोल और डीजल से ही टैक्स खत्म कर दिया जाए, तब लगेगा कि नहीं जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, जो राज्य की सरकारों में काबिज है, वो भी कुछ सोच रहे हैं। सेस लगता है, वेट टैक्स लगता है, आप इसको भी कम कर सकते हैं ना, आप लोग भी तो जनता को राहत दे सकते हैं, आप भी कोई दूध के धुले नहीं है। अरे भाई मैं आपको कह रहा हूँ, अभी पूरे देश में गरीब राहत योजना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ ने क्या बिगड़ा है? छत्तीसगढ़ में क्या गरीब नहीं रहते? छत्तीसगढ़ में क्या मजदूर नहीं आए हैं? छत्तीसगढ़ में क्या बाहर के लोग जीने खाने के बाहर के नहीं गए थे? क्या उनकी समस्याएं नहीं है? इस तरह का भेदभाव क्यों? और जब सारी बात आती है तो उसको राज्य वहन करे, राज्य वेट टैक्स कम करे। अरे उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या वेट टैक्स कम किया था? लंबा चौड़ा भाषण दिया करते थे, लंबी लंबी बात किया करते थे, देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को मिटने नहीं दूंगा, विदेश का काला धन लाऊंगा, आपको सोने के झूले में झुलाऊंगा। और आज क्या हो रहा है? आज लोग जो है फांसी के झूले में झूलने के लिए तैयार है। आपने बहुत अच्छे विषय पे आज बहस करवाया है। हिंदुस्तान की जनता, आम जनता महंगाई के मारे मर रही है, उनके सामने रोजगार का संकट है, वो कैसे जीवन यापन करेंगे? और दुनिया भर को उपदेश देने की बात जहां तक आती है तो ये खाली उपदेश देंगे, बड़ी बड़े काम करेंगे, बड़ी भव्यता दिखाएंगे। इस भव्यता से जनता को कुछ लेना देना नहीं है। जनता पेट्रोल डीजल का रेट कम चाहती है। जब आप गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाते थे, आपके नेता जो है गले में गैस सिलेंडर लेके घुमा करते थे, कांग्रेस पार्टी को उस समय के डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम किया करते थे। पेट्रोल डीजल के 1 रुपये दाम बढ़ता था तब आप लोग पूरा धरना प्रदर्शन का लाइन लगा देते थे। आज क्या हो रहा है? आज आपने पेट्रोल डीजल को बराबर कर दिया, आज आपने महंगाई को आसमान पर पहुंचा दिया। आपने खुद बताया भिंडी का रेट क्या है, आपने खुद बताया प्याज का रेट क्या है, मतलब आप भी नहीं जाते खरीदने क्या है, लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, लोग इसके ऊपर नौकरी जा रही है, उद्योग बंद हुए हैं, कोरोना काल में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों की ट्रकें अलग खड़ी हैं, लोगों के बस अलग खड़े हैं,
लोग त्राही त्राही चारों तरफ मचा हुआ है। ऐसे स्थिति में रोज जबकि पूरे आपको बताना चाहता हूँ मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल का रेट आज की तारीख में $42 है। मनमोहन सिंह के समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय जब कच्चे तेल का रेट 100 रुपए था उस समय 70 रुपए पेट्रोल बिका था, ये हाई हाई किया करते थे। आज अंतर्राष्ट्रीय कीमत $42 प्रति डॉलर है, उस समय में आप रोज रोज रेट बढ़ा रहे हैं, ये आप किसके लिए कर रहे हैं? सुरेंद्र जी, इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी आप लोगों ने एक्साइज ड्यूटी को फ्लेक्सिबल नहीं किया था। अगर आप लोगों ने ही एक्साइज ड्यूटी को फ्लेक्सिबल कर लिया होता तो इस तरह के बेतहाशा तेलों की तेल चाहे फिर डीजल हो फिर कुछ भी हो उसमें इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं होती। हमारे साथ अध्यक्ष जुड़े हुए पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अजय जी। जी जी जी, असली बात को आपने पकड़ा नहीं। $100 प्रति बैरल से लेके जो दाम नीचे आया है $42 प्रति बैरल, वो जो वोट रेट गिरा है एक्साइज है सेस अपनी जगह है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कच्चे तेल का रेट गिरा है उसका फायदा तो उपभोक्ता को मिलना चाहिए, उसका फायदा देश की जनता को मिलना चाहिए। जब आप खाड़ी के देशों से $100 प्रति बैरल खरीद रहे थे, आज $42 प्रति बैरल खरीद रहे हैं, आधे से कम खरीद रहे हैं, तो हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत आधे से कम होनी चाहिए कि नहीं? अपनी टैक्स तो अपनी जगह है, 35 रुपए टैक्स प्रति लीटर पहले भी था आज भी है, वो समस्या वाली बात नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमको सुविधा मिलनी चाहिए उस सुविधा को आप कहाँ छुपा रहे हैं, उसको कहाँ कर रहे हैं, प्रश्न ये है। बहुत सारे वाकई में सवाल है अजय शर्मा। अजय जी, जितना ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है या दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में इतना ही सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है? नहीं, देखिए जो नई पॉलिसी आई है डायनेमिक प्राइसिंग की, वो डायनेमिक प्राइसिंग से प्राइस फिक्स चलते हैं, उसमें सरकार का कोई मतलब नहीं होता, एक फार्मूला है, उस फार्मूले के आधार पर जो क्रूड का आज का रेट क्या है उस रेट से निर्धारण होता है। अब बीच में हम कहें मार्च और अप्रैल में करीबन $12 प्रति बैरल आ गया था, उस टाइम सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, तो उस टाइम सरकार की मजबूरी थी, सरकार को टैक्स का पैसा चाहिए था क्योंकि कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी बन के भारत में उभरा था और सरकार के पास कहीं से बजट नहीं था कोरोना के लिए क्योंकि अकस्मात हुआ, तो वो निश्चित है बढ़ाया। अब क्योंकि आज की तारीख में $44 चल रहा है, तो $44 चल रहा है, तो उस हिसाब से जो कंपनियों को बढ़ाने थे वो अपनी निर्धारित सीमा में बढ़ा रही है। लेकिन इस पे मैं समझता हूँ पेट्रोल प्राइस पे राजनीति इसलिए नहीं करना चाहिए कि हर पार्टी के लिए जो सत्ता में हो उसके लिए ये एक बहुत ही क्रीम आइटम होता है जिसमें 100% रिकवरी होती है, क्योंकि इसमें कहीं टैक्स चोरी नहीं होती कि हम नकली सिगरेट बना के बेच रहे हों उसमें एक्साइज ड्यूटी बचा रहे हों, यहाँ तो 100% एक एक लीटर का पैसा सरकार के पास पहुँचता है। और मैं तो समझता हूँ कि सरकार को GST अन्य वस्तुओं पे जो है वो कम करके अगर पेट्रोल पे अपनी इकोनॉमी निर्धारित कर लेगी तो ज़्यादा अच्छे से टैक्स मिलेगा और चोरी कम होगी, सरकार को अधिक से अधिक कराधान जो है बगैर चोरी के मिलेगा और इतने प्रशासनिक अमला रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखिए एक्साइज में अगर चोरी हो रही है तो ये व्यापारी का दोष नहीं है, कहीं ना कहीं लीकेज है गवर्नमेंट का कि वो उस चीज को पकड़ नहीं पा रही है। ठीक, लीकेज तो है तभी तो महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रिएक्शन मैं ले ही लेती हूँ। शर्मा जी, चुनाव जब आते हैं तो प्रचार जब किया जाता है, प्रचार प्रसार किया जाता है, तब उस वक्त एजेंडा स्टैंड कुछ और होता है, विपक्ष में रहते हैं तब हमारा स्टैंड कुछ और रहेगा, सत्ता में आएंगे तो हमारी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। आम जनता, मिडिल क्लास, क्योंकि अपर हायर क्लास के बारे में सब सोचते हैं, लोअर मिडिल क्लास के बारे में भी सब सोचते हैं, और जो सबसे ज्यादा गरीब अति पिछड़ा है उसके बारे में भी सोच लिया जाता है, रह जाता है वो एक अछूता वर्ग सिर्फ मिडिल क्लास, क्योंकि वो सड़कों पे नहीं निकलता, वो अपनी रोजी रोटी नहीं छोड़ सकता, वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता, तो इसलिए उसको मरने के लिए पूरी महंगाई का बोझ सिर्फ उसी पे डाल दिया जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस तरीके से हाथी में हाफ टाइम के बाद पाले बदल जाते हैं ठीक उसी प्रकार राजनीति में भी मुद्दे बदल जाते हैं समर्थन के और विरोध के।
कल तक भाजपा विरोध में थी तो वो पेट्रोल डीजल के जुलूस निकाला करती थी, अब कांग्रेस विरोध में है तो वो इसको जुलूस निकाल रही है। तो कुल मिलाकर के इसको तो हमको सामान्य दृष्टि में लेना ही चाहिए। दूसरी जहां तक बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने में, मैं इसको दो तरीके से देखता हूं। पहली बात तो ये कि जैसा कि अजय जी ने कहा कि ये इस समय की जो वृद्धि हुई है 10 रुपए की, ये सरकार ने नहीं बढ़ाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के कारण जो सिद्धांत था पेट्रोल बढ़ाने का तरीका, वो कंपनियों ने बढ़ाई हुई है, ये सरकार ने नहीं बढ़ाई हुई है, एक बात हुई। दूसरी बात एक आश्चर्यजनक तरीके से मतलब सरकार सबको देखती है, मॉनिटर करती है, वो हर चीज पे मैं आ रहा हूँ उस बात पर आ रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये देख रहा हूँ कि जब से 10 रुपए बढ़े हैं तब से मुझे सड़कों पर गाड़ी चलने की कोई कमी नहीं दिखी। इसका अर्थ है कि लोगों पर इस दाम वृद्धि का कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अगर आप 15 दिन पहले, 20 दिन पहले या एक महीने पहले की आप अगर सड़कों पर देखेंगे तो चहल पहल कम थी और अब एक महीने में चहल पहल ज्यादा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, हमको समतामूलक समाज की स्थापना करनी, तो समतामूलक समाज में पेट्रोल डीजल और दोनों भाई भाई हैं। हाँ। एक भाई के दाम आसमान पर हो, दूसरे के नीचे हो, तो सरकार ने अगर दोनों को बराबर बराबर किया है तो समतामूलक समाज की स्थापना की है। दूसरा एक और बात मैं कहना चाहता हूँ रश्मि, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल मेरे दृष्टि से, मेरी तो बड़ी ईश्वर से प्रार्थना है और सार्वजनिक तौर पर कहना चाहता हूँ, मैं अपने मरने से पहले 500 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल देखना चाहता हूँ। उसका कारण यह है कि पेट्रोल डीजल जितना महंगा होगा कम से कम प्रदूषण पर्यावरण ठीक होगा। अभी अगर 3 महीने 4 महीने प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण ठीक होगा, इस चक्कर में पता नहीं कितनों का दीवाला और जनाजा निकल, बिल्कुल नहीं निकलेगा, बिल्कुल नहीं निकलेगा, अरे बिल्कुल नहीं निकलेगा। एक बात मैं बताऊं आपको, ये जो अभी प्रदर्शन चल रहे हैं इसमें आम आदमी एक नहीं है, सारे राजनीतिक दलों के लोग हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर महंगाई असर करती है, माफ कीजिएगा मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, आम आदमी इसलिए नहीं है कि जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है वो अपने अगर सही वक्त पे अगर ऑफिस में उसने पंच नहीं किया तो सैलरी कट जाएगी, और उसको नोटिस मिल जाएगा। सरकारी कर्मचारी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो बंधा हुआ है कि वो इस तरह की चीजों में, धरना प्रदर्शन में वो भाग नहीं ले सकता, एस्मा लगा दिया जाएगा। तो क्या करेगा आम आदमी? आप पेट्रोल में अगर 10 रुपए से लेकर अगर 500 रुपए की जिस तरह से आपने जिक्र किया वृद्धि कर देंगे तो जो जरूरी चीजें हैं वो तो इंसान को करनी ही पड़ेंगी, भले वो अपना घर बेच के करेगा, अपनी पत्नी के जेवर बेच के करेगा, लेकिन जरूरत की चीजें तो पूरी करेगा, जैसे शिक्षा है करेगा, पढ़ाना है बच्चे को तो पढ़ाएगा, चाहे कैसे भी पढ़ाएगा, किडनी बेच के पढ़ाएगा लेकिन पढ़ाएगा, वही स्थिति है पेट्रोल के साथ जी। देखिए मोटे तौर पर व्यक्ति की क्रय शक्ति बढ़ी हुई है, अगर क्रय शक्ति नहीं बढ़ी है झुग्गी में तो कार और मोटरसाइकिल है, तो कुल मिलाकर के व्यक्ति की जेब में पैसा है इसलिए वो समय पर पहुंच रहा है, और अगर पैसा नहीं है तो आप विकल्प ढूंढिए। आप मुझे एक बात बताइए, क्या पेट्रोल डीजल बढ़ने के दाम से सरकार के कर्मचारियों ने क्या ग्रुप बनाया है कि हम एक मोहल्ले में रहते हैं एक गाड़ी से निकला करेंगे? नहीं बनाया है। लोगों ने आज तफरी करने के लिए जो मोटरसाइकिल और कार खरीदने जाते हैं वो बिल्कुल नहीं बढ़ा हुआ। खरीदी तो ये पोजीशन है, इस भोपाल की ये पोजीशन है, यहाँ कार खड़ी करने के गैरेज 1 लाख से कम है और जबकि गाड़ियों की संख्या 3 लाख से ऊपर है। खड़ी करने जगह नहीं, सड़कों पर चलने जगह नहीं, लोगों के पास पैसा है तभी तो कारें खरीद रहे हैं, तभी तो चला रहे। मुझे एक बात बताइए, कोई सड़क आपको खाली मिलती है क्या? अगर उसको महंगाई का फर्क मिलता तो सड़कें हमको खाली दिखने लगती। तो कुल मिलाकर के फिर कुछ चीज ऐसी है कि व्यक्ति को विकल्प की ओर जाना चाहिए, और फिर ये पेट्रोल डीजल की हाय हाय रश्मि मुश्किल से 5-10 साल तक होना है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कारें आ रही हैं सड़कों पर, तो कुल मिलाकर कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, 2-4 साल लोग झेल लें इसको, लेकिन 2-4 साल झेलने के लिए उतना मादा तो हो है, मादा देश में उतना मादा है, वही कैपेसिटी नहीं बचेगी तो कहाँ से 2-4-6-10 साल भेजेगा शर्मा, झेलेंगे शर्मा जी? बड़ा सवाल तो ये है कि ठीक है सरकार तो कुछ भी करेगी, जो भी पार्टी है वो सरकार में आएगी वो कुछ भी करेगी, आम इंसान को जीना है तो जिएगा, खाना छोड़ नहीं सकता, रहना जीना खाना पीना ये सब कुछ छोड़ नहीं सकता, तो ये तो जरूरी चीजें हैं, नेसेसरी है, तो इसके लिए तो करना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में आए तो फिर जीना तो पड़ेगा। श्रीवास्तव जी आपसे मेरा वही सवाल है और मैं चाहूंगी कि आप बता दीजिए ना कि किस दर पे चले जाए, क्या हवन कर दे, पूजा कर दे, आखिर ऐसा क्या कर दे कि केंद्र सरकार को भी लगे कि नहीं अब तो कंट्रोल करना चाहिए, जो रेगुलेटरी फर्म बैठी रहती है आखिर वो कर क्या रही है? फिर 40% वृद्धि खुद सोचिए, और 450 तरह के टैक्स, रश्ट
राइश के नाम है मेरा सर। देखिए रश्मि जी, राइश के नाम है डॉक्टर जी, राइश के नाम है, राइश को रश्क जी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। रश्क जी देखिए बात को थोड़ा सा समय देंगे, दो तीन मिनटों में, कोई बात उलझाने वाला नहीं है कि चिल्लाने वाली विषय नहीं है। विषय ये है कि जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी बातों को रखा और थोड़ा सा एक सामाजिक सरोकार और क्या व्यवस्था होनी चाहिए उस पर मनीष शर्मा जी ने अपनी बातों को रखा। हम केवल पेट्रोल डीजल को लेकर ही पूरी सरकार को हम घेर दें ये विषय नहीं है। और परिस्थितियां पहले क्या थी आज क्या है, आज पेट्रोल डीजल बढ़ने के बाद सड़कों पर आम आदमी का विरोध क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, यूपीए की सरकार के समय क्यों दिखाई दे रहा था, इस बात को भी कहीं ना कहीं समझने की आवश्यकता है। एक विश्वास की बात होती है सरकार पर। देखिए मुझे थोड़ा सा एक दो मिनट देंगे, उसके बाद जो जवाब आएगा मैं सुनूंगा उसको। इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि हम बातचीत करें तो किसी भी व्यक्ति पर किसी एक पेट्रोल डीजल का ही प्रभाव पड़ जाए या उसकी आर्थिक स्थिति या उसका बजट खराब हो जाए ऐसा नहीं है। महंगाई से उसकी आम उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं, तमाम प्रकार के कपड़े से लेकर तमाम प्रकार की उसकी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उस पर जो महंगाई होती है, इन्फ्लेशन जो रेट हम कहते हैं, वो यदि पड़ती है तो उससे वो प्रभावित होता है व्यक्ति। मैं इस बात को मानता हूं कि हर एक व्यक्ति के पास में आज टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसको आवश्यकता है आने जाने की, इसलिए वो आना जाना करता है रेट्स कितने भी हो जाए। लेकिन क्या मेरे मित्र जो कांग्रेस के लोग हैं ये बताएंगे, आपको जानकारी है कि जब यूपीए की सरकार थी उस समय इन्फ्लेशन रेट क्या था, महंगाई की दर क्या थी? हम सभी सरकार को लेकर बातचीत करें, 10% तक थी, लेकिन पिछले 6 वर्षों से 6% से ज्यादा महंगाई की दर नहीं बढ़ी है। इसको कंट्रोल किया है कोई तो हमारी सरकार ने किया है। और आज कोरोना संक्रमण के समय का मैं थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन दूसरा विषय आज इस बात को मानना पड़ेगा एक आपको कि यदि पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़े भी तो ये चर्चा का विषय नहीं बने। आम लोगों को इसकी तकलीफ नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि यदि ये टैक्सेस के माध्यम से ये कर यदि वहां पर इकट्ठा होते हैं उसके माध्यम से तमाम प्रकार की गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बन रही हैं, तमाम प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर है। यदि आज हम उज्ज्वला गैस की बात सुन लीजिए प्लीज, मेरा निवेदन है मैं बिल्कुल आपको आपकी बात पूरा करने का मौका दूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा, आम आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस देश में आम आदमी का कुल 4% है और 4% वोट अगर आपको नहीं भी मिलेंगे, किसी भी पार्टी को नहीं मिलेंगे, तो कुछ नहीं जाएगा। और इन 4% में 4 करोड़ लोग आते हैं जो आम आदमी, जो मिडिल क्लास में रहते हैं। अगर ये 4 करोड़ लोग आपको वोट नहीं देंगे तो सरकार तो वैसे भी बन जाएगी। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको तो चूल्हे में जाने दीजिए, बात तो वही हो गई ना फिर। सुनिए, उस चूल्हे तक गैस पहुंचाने का काम हमने किया है। आपने उज्ज्वला योजना ले आई, वाह। 8 से 10 करोड़ जो गांव के अंदर में थी, सुन लीजिए पहले थोड़ा सुन लीजिए। आपका एंगल ठीक है, आपके दृष्टिकोण से ठीक हो सकता है 4 करोड़। मैं उस विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारों के विश्वास की बात कर रहा हूँ कि आखिर आम जनता का विश्वास मोदी जी की सरकार के प्रति क्यों है। उनको लगता है कि यदि थोड़ी महंगाई बढ़ती भी है तो वो डेवलपमेंट में तमाम प्रकार की योजनाओं के माध्यम से गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो चाहे दूसरा वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं ये फायदा दिखाई देता है। ये सरकार की एक बड़ी विश्वसनीयता है और इसको बगैर चर्चा करे हम यदि पेट्रोल डीजल की बातचीत करके हम डिबेट से निकल जाएंगे तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। आज राष्ट्रीय कोष की बात करें, राष्ट्रीय कोष जब यूपीए की सरकार था पूरा विदेशी मुद्रा भंडार खाली, आज हमारे पास 500 अरब डॉलर की राशि है और ये विदेशी मुद्रा भंडार, आज हमारा राष्ट्र मजबूत है चारों तरफ। उसमें भी कोरोना काल में मतलब आपदा को अवसर बना दिया गया, पेट्रोल डीजल से बढ़ा दिया गया। महंगाई यूपीए की सरकार के समय 10% था, 10% महंगाई थी जिसको मैंने उल्लेख किया है, और एनडीए की सरकार के समय 6% से ज्यादा नहीं। हमने बहुत तेज गति से कामों को भी किया है, चाहे हम गैस कनेक्शन की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें। 70 साल में रश्क जी एक मिनट, 70 साल में हम एक आदमी को मकान नहीं दे पाए, क्या हम उनको मकान उसी स्थिति में रहने दें? भले हम 2 रुपए पेट्रोल कम कर दें, हम उनको मकान में उसी गरीबी में जीने दें, क्या ये सरकार की योजनाएं नहीं है? इन सब मदों के लिए पैसा कहां से आएगा? तो एक कार्य योजना जब तक नहीं बनेगी और कहां से पैसा, सक्षम लोगों से पैसा लेकर हम इस देश की जो अधिकांश जनता जो गरीब है उनके लिए हम मदद कैसा कर सके? जो हमारी गांव की बहनें हैं जो 50 साल से धुएं में चूल्हे में खाना बनाती है, क्या उनके घर तक गैस कनेक्शन नहीं जाने चाहिए? इसको 1-2 साल के अंदर में करके किसने दिखाया? हमने करके दिखाया।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको सार्वभौमिक तरीके से सोचने की आवश्यकता है। हम पेट्रोल डीजल 2 रुपए बढ़ के हल्ला मचाने लगे, बात ये नहीं है। आज पेट्रोल डीजल बढ़ने के बाद भी मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि मोदी सरकार के प्रति लोगों का विश्वास है। और यदि लगता है सरकार, हमने तो राज्य सरकार के समय, डॉक्टर अमन सिंह के समय हमने वेट कम किया था, क्यों वेट बढ़ा दिया भाई? 1.5 साल के पहले क्यों बढ़ा दिया वेट आपने? वेट कम कर दीजिए यदि राहत देना है तो। तमाम प्रतिकूलता, आज देखिए कोरोना संक्रमण है, हाहाकार नहीं मचा इस देश के अंदर में। इतना बड़ा देश है, कोरोना कहीं भी आपकी सप्लाई चेन बंद नहीं हुई है, हर चीज हर जगह उपलब्ध हो रहा है। नहीं तो इस देश के अंदर में कब कालाबाजारी हो जाती, 4 दिन के लिए खल्ला होता है कि सामान नहीं मिलेगा, कालाबाजारी चालू हो जाती है। लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी देश खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सरकार के प्रति विश्वास है। थोड़ा हमको योगदान देना पड़ेगा, ठीक है, और उसके माध्यम से हम देश को चलाएंगे। मुझे अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों को भी मदद कर रही है, आर्थिक पैकेज दे रही है, उद्योग स्थापित हो जाए, प्रवासी मजदूरों के खातों में पैसा देना है, जनधन योजना के माध्यम से महिलाओं को पैसा देना है, किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा देना है। आखिर ये पैसा छोटे वर्ग के लिए, जो हमारा गरीब परिवार है, आखिर हम कहां चलाएंगे? तो मुझे लगता है बड़े दृष्टिकोण से इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझाया कि वाकई में बहुत सारी योजनाएं सरकार को संचालित करनी रहती हैं, इसलिए आपने टैक्स अगर 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 9 रुपए भी बढ़ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप सीधे बोलिए ना जनता को कि भाई तुमको अच्छी सड़क चाहिए, घर चाहिए, शौचालय चाहिए और शिक्षा चाहिए और मकान चाहिए, जो चीजें चाहिए, तो 100 रुपए लीटर पेट्रोल लो। आप साफ बोलिए ना, भ्रामक प्रचार मत कीजिए, आप साफ बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे 2014 में कि अब बार महंगाई पे, महंगाई पर मार, देश की जनता ही है। तो आप, मैं तो वही कह रही हूँ ना कि जनता को बोलिए कि 100 रुपए पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदिए। अगर आपको विकास चाहिए, आपको सुविधाएं चाहिए, किसान को अगर अच्छी किसानी करनी है तो 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल खरीदिए। आप साफ बोलिए ना, और 10 तरह के सेस लगाने और टैक्स लगाने का कोई मतलब भी नहीं है। फिर आप साफ बोल दीजिए भाई, देश की जनता तो वैसे ही इन्फ्लुएंस है। और अगर देश की जनता, कोई टैक्स नहीं है रश्क जी, कोई टैक्स नहीं है। 40% सर क्या बात है, किसानों को इन 6.5 साल में, एक मिनट, छत्तीसगढ़ में किसानों को यदि ऋण 0% यदि कोई दिया था तो बीजेपी ने दिया था। 58 सालों तक कांग्रेस ने ऋण पर कभी ब्याज लेते रहे, 14% 16% ब्याज दिया, उस ब्याज को यदि खत्म किया तो हमारी सरकार ने क्या, बीजेपी की सरकार ने? पंप किसने बढ़ाए? पंप की वृद्धि नहीं हो रही थी 50 सालों के अंदर में, केवल 70,000 पंप थे। हम जब यहां से गए तो 4.5 लाख पंप किसानों के खेतों में है। हम डेवलपमेंट के साथ में, हम लोगों तक सुविधाएं पहुंचे, इस काम के लिए हम लगातार करते हैं। और बीजेपी इसीलिए जानी जाती है, और इसीलिए कई बार कड़े निर्णय के बावजूद भी देश की जनता मोदी जी के साथ में रहती है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। उपलब्धि तो है सर, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर रहा है, उपलब्धि है। लेकिन इस उपलब्धि का मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही 2014 के जब चुनावी रैलियों में जाते थे और जब प्रचार करते थे तो वो खुद कहते थे कि अब की बार महंगाई पर वार, अब की बार महंगाई पर मार। तो कहाँ गए भाई वो नारे वादे तमाम? बिल्कुल, महंगाई में कमी हुई है रश्मि जी। यूपीए में 10% से ऊपर था, आज हम 6% में लाकर रखे महंगाई की दर को। तब हम 70 रुपए किलो दाल खरीदते थे तुअर की, आज हम 90 रुपए 95 रुपए खरीद रहे हैं। बिल्कुल आपके हिसाब से तो तमाम चीजें हुई है, बस सवाल ना किया जाए, बस सवाल ना किया जाए। देखिए कुछ कुछ आइटम्स को छोड़ दें, जिसको आप फोकस कर रही हैं, मैं ओवरऑल जो महंगाई की दर जिससे निर्धारित होती है, जो आम उपभोक्ताओं की आवश्यकता है, प्रतिदिन की आवश्यकताएं हैं, उस पर मैं बातचीत कर रहा हूँ। हो सकता है एक दो कुछ पदार्थों की कमी है, चीजों की कमी है, उसके रेट बढ़ सकते हैं, जैसे पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़े हैं रेट जी। ठीक है शर्मा जी, भाई प्रदेश में तो आपकी सरकार है, अगर केंद्र सरकार के टैक्स में रिलैक्सेशन नहीं दे रही है, छूट नहीं दे रही है, तो भाई आप ही लोग वेट टैक्स में कमी कर दें। अगर आप ही लोग कर देते हैं तो भाई जनता को राहत मिल जाएगी, ज्यादा नहीं तो कम से कम 4-6 रुपए पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। जहां 3.5 रुपए पेट्रोल पे टैक्स लगा करता था, वहां आज 16 रुपए लगने लगा है। और वही अगर हम बात करें तो 20 रुपए उस पर अलग से टैक्स लगा दिया जाता है, ऐसे करके 29-28 रुपए तो वैसे ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगा देती है। तो आप लोग भी तो कहीं ना कहीं से आप लोगों को रिलैक्सेशन देना पड़ेगा सर। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार और बीजेपी पर प्रहार करते करते आप लोग ये सोचें कि नहीं भाई आगे के पूरे साल निकल जाए। आपने जितना समय संजय श्रीवास्तव जी को दिया, मैं आपको दूंगी सर, रस होने लगा है इसको।
और मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरी बात को थोड़ा मैं उतना ही आपको दूंगी, आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो मैं शर्मा जी को प्रणाम करता हूँ जो आपके साथ बैठे हैं, जो 500 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का भाव करना चाहते हैं। विद्वान व्यक्ति होंगे, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, उनको उनको एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। माननीय शर्मा जी, हिंदुस्तान में 40,000 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें से 32,000 प्रोडक्ट का उत्पादन पेट्रोलियम पदार्थों से होता है। लोग अपनी गाड़ियों में घूमते हैं वो एक अलग विषय है, मगर ट्रेनें भी डीजल से चलती हैं, बसें भी डीजल से चलती हैं, ट्रकें भी डीजल से चलती हैं, जितने भी ट्रांसपोर्ट है वो डीजल से और पेट्रोल से चलते हैं, और जितने भी निर्माण कार्य हैं, चाहे नहरों का निर्माण कार्य हो, चाहे पुलों का निर्माण कार्य हो, उसको सबके लिए डीजल की आवश्यकता होती है। अब आप 500 रुपये डीजल करके देश का अगर भला चाहते हैं तो मैं आपको प्रणाम करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। संजय श्रीवास्तव जी ने बताया कि उन्होंने देश में बिल्कुल एकदम खुशहाली ला दी, गरीबों गरीब लोग बिना घर के रहते थे उनको घर दे दिया, जिनके पास चूल्हे नहीं थे उनको चूल्हा दे दिया और सब कुछ ठीक हो गया, मगर उस चूल्हा में पकाने के लिए अब कुछ नहीं है। गैस तो है मगर उसके लिए सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, तेल नहीं है, चावल नहीं है, और चारों तरफ त्राहि त्राहि मचा है। अब जैसे उन्होंने बताया उसी तरह मैं बता रहा हूँ। आप हमसे कह रहे हैं कि वेट टैक्स आप लोगों को कम कर देना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रक्त जी, एकमात्र छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसने किसानों का कर्जा माफ किया है, 39 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। यही एक छत्तीसगढ़ की सरकार है जिसने किसानों को 2500 रुपये धान की खरीदी में उनको समर्थन मूल्य प्रदान किया है, जिसके कारण यहाँ पर तमाम नहीं मिला अभी तक। ये क्या नहीं मिला? पहला किस्त मिल चुका है, 3 किस्त और मिलेगा, आप चिंता न कीजिए। हमारे जो मुख्यमंत्री है कब तक मिलेगा? अरे हमारे भूपेश बघेल जी इतना तो नहीं कहे चेहरा में, चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। मेरे 685 रुपए को 4 किस्त दे रहे हो बोलते थे भाई। संजय भाई मेरा निवेदन है, आप जब बोल रहे थे मैंने आपके बीच में नहीं बोला, कृपया मुझको बोलने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसान बहुत खुश हैं, 2500 रुपए उनको धान का भाव मिल रहा है, उनका कर्जा माफी हुआ है, छत्तीसगढ़ में तमाम जो हमारे नदी नाले हैं उनको सुरक्षित करने के काम हो रहे हैं, इसके लिए हमको आर्थिक आवश्यकता है। इन सब बातों के अलावा भी मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, ये टैक्स इसलिए वसूल करते हैं कि जनता को राहत मिले। ये सारे टैक्स का कुल मिला के हमने प्रतिनिधि इससे चुना है कि वो हिंदुस्तान की जनता को, अपने आवाम को जिसकी वो प्रतिनिधि है उनको राहत दिलाए। और मुझको तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे लगते थे जो आज से 4 साल 6 साल पहले जब वो भाषण दिया करते थे कि काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए एक एक आदमी के खाते में जाएगा, कोई भारत को आंख नहीं दिखा पाएगा, महंगाई दूर भगेगी, गरीबों का राज आएगा, भारत के सोने की चिड़िया जो है चहचहाएगी, ऐसी बात कहने वाले प्रधानमंत्री भारत को बहुत पसंद है। मगर दिक्कत यह है कि 6.5 साल हो गया, आपने नोटबंदी कर दिया, नोटबंदी करके कहा कि इससे नक्सली भागेंगे, इससे आतंकवाद खत्म होगा, इससे काला धन बाहर निकलेगा, उसको भी हमने बर्दाश्त किया। आपने GST लगा दिया, आपने कहा एक देश एक टैक्स, उसको भी बर्दाश्त किया। मगर प्रभु जो 42 रुपए डॉलर का पेट्रोल डीजल है उसको आप जो है इस कीमत में हमको देके बर्बाद मत कीजिए। मेरा निवेदन ये है कि ये जो पेट्रोल डीजल है ये सिर्फ लोगों के गाड़ी मोटरसाइकिल में घूमने का विषय नहीं है, ये तमाम उद्योगों में लगता है, तमाम उत्पादनों में लगता है, हर तरह से इसका उपयोग होता है और इसकी पूरे देश की जनता को आवश्यकता है। इसलिए मेरा निवेदन है और हमारा कहना है, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है पेट्रोल डीजल का रेट कम होना चाहिए, महंगाई घटना चाहिए, जो आपने वादा किया है वो पूरा कीजिए, जो वादा किया है सो निभाना पड़ेगा। ठीक है, सही कहा आपने कि जो वादा किया है वो वाकई में निभाना पड़ेगा। तो क्या राज्य सरकार जो पेट्रोल पे जो वेट टैक्स लगता है क्या उसको कम कर देगी? शर्मा जी मैंने आपको बताया ना रस्त जी कि छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान स्थिति में ये है कि हमने लगभग 21 करोड़ रुपए का अभी पैसा देना है और कर्जा माफ किया है। आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं,
इन जिम्मेदारियों के चलते सरकार जरूर इस पर विचार कर सकती है, मगर मैं इस माध्यम से कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मगर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो एक तरह से समझिए ना, छत्तीसगढ़ सरकार ने गरीब किसानों की जेब में पैसा भेजा है। जब तमाम देश में सब तमाम उद्योग व्यापार बंद हो रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में व्यापार में वृद्धि हुई है, व्यापारियों की स्थिति ठीक हुई है, व्यापारियों की स्थिति सुधरी है। जब आपके उपभोक्ता के पास पैसे होंगे तो खरीदारी करेंगे, उससे दुकान भी चलेंगे, उससे उद्योग भी चलेगा, उससे व्यापार भी चलेगा, उससे खुशहाली भी आएगी। तो कुल मिला करके हमारे छत्तीसगढ़ के प्रदेश में हमारे भूपेश बघेल ने किसानों को पैसा दिया है। आपकी बात का लब्बो लुआब यह है कि जो कुछ भी करना है वो केंद्र सरकार को करना है, राज्य सरकार किसानों को हित में पहले से ही जनहितैषी योजनाएं चला चुकी है, तो मतलब पेट्रोल और डीजल के विषय पर राज्य सरकार से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए। ठीक है अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से हमने देखा 20 दिन में किस तरह से बेतहाशा पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हुई, इक्वल हो गए पेट्रोल और डीजल, मतलब 1-2 रुपए कुछ इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन इक्वल हो गए हैं। क्या लगता है आने वाले दिनों में और इजाफा होगा पेट्रोल और डीजल के दामों में, और होता है तो कितना? और अगर हम फर्दर ऑफ सिनेरियो की बात करते हैं तो अगर क्रूड ऑयल और कम होता है इंटरनेशनल लेवल पे, अगर कोई पॉलिसी ऐसी बनती है और उसके बाद अगर पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आती है तो कितनी राहत जनता को मिल सकती है? देखिए, इसमें जो पेट्रोल की प्राइस है, पूरी राजनीतिक जो घटनाक्रम रहेंगे पूरा उस पर डिपेंड है। अभी तो कोरोना है, तो ये मान के चलिए दिसंबर तक सरकार, केंद्र सरकार राहत देने के मूड में नहीं रहेगी, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। कुछ ऑयल कंपनी में कुछ कर सकती है, कुछ पॉलिसी ऑयल कंपनी की बन सकती है? नहीं, ऑयल कंपनी का भी देखिए, ऑयल कंपनी भी जो पैसा अगर कमाती है तो वो गवर्नमेंट की है, तो पैसा तो सरकार के ही पास जाता है, ऑयल कंपनी की जेब में नहीं जाता। ठीक है, तो अच्छा मेरा मैं आपको रोकना चाहूंगी सिर्फ एक सवाल ये भी कि अगर जो ऑयल कंपनी से जो डिविडेंड लिया जाता है, अगर एक साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस डिविडेंड को रोक देती है और फिर कहती है कि ठीक है आप नेक्स्ट ईयर से इसको अपने अकॉर्डिंग टू यू आप अपने फैसिलिटी जो आपको जो सुविधाएं दी जा रही है, आपको जो सुविधाएं मिल रही है उस हिसाब से आप इस डिविडेंड को भर दीजिए, तो क्या इससे राहत मिल सकती है? देखिए ये चीज हम सोच सकते हैं, लेकिन ये पूरा जो है ये केंद्र सरकार के पास पैसे की कमी है या नहीं है, या डिविडेंड नहीं लेने से उनका काम चल जाएगा, ये उनका विषय है। एक चीज का मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, प्राइसिंग की एक हो रही है, इसको आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल जो है हमेशा डीजल से 12 से 15 रुपए 17 रुपए तक महंगा था। लोगों ने कॉमर्शियल यूज तो डीजल करते ही करता है आदमी, लेकिन जो प्राइवेट व्हीकल्स थे वो उसमें पेट्रोल अगर होता है तो प्रदूषण कम होता है। पिछले 15 साल में सबसे ज्यादा प्राइवेट व्हीकल में अगर वृद्धि हुई है तो वो डीजल चलित वाहनों की हुई है, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ा है। तो मैं तो दरखास्त करूंगा सरकार से कि पेट्रोल और डीजल को एक रेट रखे, ताकि क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ दे सकते हैं, भाई ठीक है कि उस टाइम डीजल का रेट जो भी रहे ना रहे, कम से कम पर्यावरण तो सुरक्षित रहे। तो डीजल पेट्रोल के तो हालांकि ये बहस का विषय नहीं है जो आपने रखा था, लेकिन क्योंकि पर्यावरण के प्रति जागरूक हूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका, तो कम से कम मेरा तो निवेदन आपके चैनल के माध्यम से है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, पेट्रोल को जैसे मध्य प्रदेश में अभी भी काफी महंगा है पेट्रोल, दिल्ली में सस्ता है, तो टैक्स पेट्रोल पे कम कर दे, डीजल पे चाहे थोड़ा सा बढ़ा दे, इक्वल रखे, ताकि आदमी जो टैक्सेशन पॉलिसी को फ्लेक्सिबल करना होगा उससे रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ मिले जी, बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 40% पेट्रोल में इजाफा हो गया, और जिस तरह से आपने कहा भी कि अब मतलब अगर पेट्रोल के जो प्राइस है वो इंक्रीज होते हैं तो जो कमाने खाने वाले लोग हैं, जो जरूरी जिनकी जरूरी चीजें हैं वो करेंगे ही, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, लाइफ स्टाइल में फर्क नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ा सिनेरियो बदलेगा।
वहीं अगर हम टैक्सेशन पॉलिसी की भी बात करते हैं तो कांग्रेस के वक्त में जो टैक्सेशन पॉलिसी बनी थी उसमें ये टैक्सेशन पॉलिसी उस वक्त जब बनाई गई थी तो जब कच्चे तेल की कीमतें कम हुआ करती थी तो उस हिसाब से बनी हुई थी, अगर बढ़ रही हैं कम हो रही हैं तो उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी देने की कोशिश की गई थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने इस तरह की कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई है तो उसका खामियाजा तो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसको कैसे मतलब आप मतलब इक्वल करेंगे आप? देखिए कुल मिलाकर के गौरी जी, मैं आपके दो सवाल हालांकि आपने मुझसे नहीं पूछे थे, अजय जी से पूछे, उनसे पूछे, उनका देना चाहते हैं। एक डिविडेंड का, केंद्र सरकार कोई भी हो तेल कंपनियों से डिविडेंड एक साल के लिए मुलतवी नहीं कर सकती। उसका कारण है कि जो दूसरे सोर्सेज थे सरकारों के वो सारे सोर्सेज इस समय कम है। सरकार को अगर पैसा मिल रहा है इस समय, सबसे ज्यादा जो पैसा मिल रहा है तो वो केवल डीजल पेट्रोल से मिल रहा है, तो वो डिविडेंड से भी मिल रहा है और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उससे भी मिल रहा है। 450 तरीके के टैक्स, हाँ वो नहीं कर सकते, 450 तरीके के टैक्स इंक्लूडेड हैं। और मैं डिबेट से पहले जब मैं स्टडी कर रही थी शर्मा जी, तब 9 रुपए लीटर के हिसाब से मतलब भारत सरकार जो है वो टैक्स लगाती थी और अब 20 रुपए के हिसाब से लग रहा है। पहले 3.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से लगता था डीजल पर, अब 16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स लग रहा है। 450 तरह के जो टैक्स है ना शर्मा जी वो है। तो अब आप बताइए जब इतनी डिसपैरिटीज रहेगी तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा? देखिए सवाल भी तो बढ़े, सवाल आप उठा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार के पास दूसरा सोर्स नहीं है, सोर्स केवल डीजल पेट्रोल ही है, तो लिहाजा वो डिविडेंड एक साल के लिए मुलतवी नहीं कर सकती और कोई सरकार नहीं कर सकती। एक बात दूसरा आपने ये पूछा था, अरे मेरी बात तो पूरी हुई नहीं, फिर सवाल कर लीजिए। दूसरा आपने ये पूछा था क्या निकट भविष्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिर सकती हैं क्या, उस पर भविष्य तो कोई देख करके नहीं आया क्या होने वाला है, भविष्य तो केवल भगवान जी जानते हैं, लेकिन एक पत्रकार के रूप में मेरा अनुमान है निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये कीमतें नहीं गिरेंगी। उसका कारण है कि जो तेल निर्यातक देश है उनके पास भी जो दूसरे सोर्सेज थे आमदनी के वो दूसरे सोर्सेज इस समय डाउन है, तो उनको भी जो पैसा कमाना है वो तेल निर्यात से कमाना है, तो तेल निर्यातक देश भी निकट भविष्य में ये पैसे मतलब कीमतें कम करेंगे, इसकी मुझे कम से कम दिसंबर तक इसकी संभावना नहीं दिखती। हो सकता है हो जाए, भगवान जी कुछ चमत्कार कर दें और हो जाए, दो बात होगी। तीसरी बात आपने जो महंगाई की पूछी, ये बात सही है कि लोअर मिडिल क्लास पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ता है, मिडिल क्लास पर, हायर मिडिल क्लास पर, इवन जो इकोनॉमिकल वीकेंड सेक्शन है उस पर भी अब जोर नहीं पड़ता, क्योंकि EWS वर्ग को सरकार इतनी चीजें मुफ्त में देती है कि उनको बहुत सारी चीजों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोअर मिडिल क्लास जिसको किसी तरह की कभी कोई राहत नहीं मिलती वो उसको इसका सबसे ज्यादा इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन एक बात प्रसंग से हट करके मैं आपको बता दूं गौरी जी, ये जो कोरोना का काल है इस कोरोना के काल में लोअर मिडिल क्लास को और मिडिल क्लास को ये भविष्य दो तरह का भविष्य लेकर आएगा, या तो इसमें से आधे लोग खत्म होकर के नीचे चले जाएंगे या आधे लोग जंप करके ऊपर चले जाएंगे। ये जो क्राइसिस आई है, हम पिछले 400 वर्षों का अगर दुनिया का इतिहास देखें तो 400 वर्षों में 400 वर्ष पहले की जो आपदा, 300 वर्ष पहले की आपदा, 200 वर्ष पहले की आपदा और 100 वर्ष पहले की आपदा, आप अगर ये देखें 1920 और 1914 के बीच में आई, 1820 और 1814 के बीच में आई, ये प्रकृति का कुछ ऐसा सिस्टम है कि इसी बीच में आ रही है। इस बीच में जो भी मिडिल क्लास रहा है, जो भी लोअर क्लास रहा है उसने जंप किया है, जिन्हें हम आज बिरला के रूप में जान लें, जिन्हें हम ये जो MBS मसाले के रूप में जान लें, जिन्हें हम JK के रूप में जान लें, ये लोग 1914 से 1920 के बीच में कहां थे, शून्य पर थे। तो मिडिल क्लास को इस समय की चुनौती को स्वीकार करके खुद को कुछ न कुछ अपनी जो क्षमता है, जो मेधा शक्ति उसकी है, प्रत्येक व्यक्ति में मेधा शक्ति उतनी ही होती है जो एक सामान्य जन में होती है, लेकिन वो पिछड़ा केवल इसलिए रहता है कि उस मेधा शक्ति का वो उपयोग नहीं करता। उनको इस्तेमाल करके स्वयं को उन्नत बनाना होगा और इस महंगाई को रोने से कोई आवश्यकता नहीं है, इस महंगाई से फेस करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए शर्मा जी, फेस भी इंसान कैसे करेगा, तनख्वाह आप बढ़ा नहीं रहे, जिसको 10,000 मिल रहा था अगर बहुत अच्छा उसका CR चला गया तो 10% बढ़ा दिया, 1,000 रुपए बढ़ा दिया,
पेट्रोल हो गया है 90 रुपए लीटर हो रहा है, तो कहाँ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या अपनी क्षमता है? हाउ कैन दैट पॉसिबल इनको बिल्ड किया जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। हाँ, मैथ्स का तो यही रूल है ना, प्लस और माइनस में चीजें चलती है, माइनस माइनस होगी प्लस प्लस होगी तो चीजें नहीं चलेगी। श्रीवास्तव जी, इसमें मुझे एक लाइन का उत्तर देने दीजिए। उसका एक कारण है, आने वाले वक्त में जिन नौकरियों की आप चर्चा कर रही हैं वो नौकरियां आधी खत्म होने वाली हैं। तो खत्म तो हो गई है ना, खत्म होने वाली है, और होने वाली, खत्म होने के संकेत दे रहे हैं, होने वाली हैं। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, टीवी देखते देखते आ जाएगा कि भाई अब तो और जो अवसर है वो और खत्म होने वाले हैं। श्रीवास्तव जी, अरे मुझे बात तो पूरी करने दो, तुम तो एक सेंटेंस में बोलने लगती हो। तो कुल मिलाकर के नौकरियां आधी खत्म होने वाली हैं। मैं आपके माध्यम से समाज से भी कहना चाहता हूँ, ये नौकरियां कोरोना संकट से जितनी खत्म होंगी उतनी टेक्नोलॉजी से खत्म हो रही है। व्यक्ति को अपने शिल्प का, अपने हुनर का विकास करना चाहिए और स्वरोजगार की तरफ जाना चाहिए। दुनिया की कोई क्रांति नौकरों ने खड़ी नहीं की है। दुनिया में अगर परिवर्तन आया है तो वो चाहे जूता जोड़ने वाला व्यक्ति हो या बड़े मिल का मालिक हो, परिवर्तन वहां से आया है। तो कुल मिलाकर के आने वाले वक्त की चुनौती को स्वीकार करके सामान्य व्यक्ति को अपने शिल्प, अपने कौशल और उसको विकसित करके अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, तब राष्ट्र उन्नति करेगा और तब वो खुद इन समस्याओं से मुक्त हो पाएगा। जब सरकारी अगर रोजगार ही नहीं दे पाएंगी तो फिर सरकारों का काम भी अगर आम आदमी ही करने लगेगा और अपने ही शिल्प को अवसर के तौर पर इस्तेमाल करने लगेगा तो फिर लोकतंत्र में सरकारों का चुना जाना तो मतलब बेमानी लगने लगता है। श्रीवास्तव जी, बात बात पे पाकिस्तान को कोसते हैं आप लोग कि पाकिस्तान से कंपैरिजन भी होता है कि हमारी सैन्य शक्ति ये, हमारा ब्ला, हम ऐसे, हम ये। भाई आपके ही प्रतिद्वंदी देश ने पेट्रोल 15 रुपए सस्ता कर दिया, डीजल 27 रुपए सस्ता कर दिया, कुछ तो अब आप लोग भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो किया वो सवाल मैं करता हूँ कि क्या पाकिस्तान को कोसना नहीं चाहिए? बिल्कुल कोसना चाहिए, लेकिन ऐसे वक्त भी कोसना चाहिए कि तुम पेट्रोल 15 रुपए सस्ता कर देते हो, डीजल 27 रुपए सस्ता कर देते हो, तो ऐसे वक्त भी कोसना चाहिए कि क्यों किया सस्ता, हमें भी सस्ता करना है, हम तुमसे ज्यादा सस्ता करके दिखाएंगे। आप भी ऐसे कोस के बताइए ना। देखिए राष्ट्र जी, हमको समझने की आवश्यकता है, ये केवल पेट्रोल डीजल तक सीमित का मामला नहीं है। यदि आपने पाकिस्तान को कर दिया है, पाकिस्तान का नाम जोड़ा है, तो आपका तो फेवरेट टॉपिक, ऑपरेशन से स्टार्ट करें, वहाँ की डेवलपमेंट की बात करें। सुनिए, सुनते जाइए। किसी एक विषय वस्तु को लेकर कि किसी ने कर दिया तो हम क्यों नहीं कर पा रहे, ये स्थिति नहीं है। आज यहाँ की पॉपुलेशन से लेकर यहाँ की आवश्यकता, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की चुनौतियाँ, तमाम प्रकार के विषय हैं। पाकिस्तान के पास आखिर है क्या? है क्या? Exactly. इसलिए पाकिस्तान से तो हम करें नहीं। Exactly. पाकिस्तान को तो हम जवाब देते हैं पुलवामा और उरी में। हाँ. जिसको कांग्रेस ने भी देखा, एक मिनट, हाँ. देखा, हाँ. जो हमारे मित्र अभी कांग्रेस से कह रहे थे, इस विषय पर मैं जाना नहीं चाह रहा था। ठीक. और यदि कोई प्रश्न तो हम बात करें। मैं एक आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो चर्चा है बड़ी सार्थक चर्चा रही, जो हमारे पेट्रोलियम के जो अध्यक्ष हैं, जो अजय जी ने जिस बात को रखा, या शर्मा जी ने बात को रखा, या आपने विषयों को रखा। देखिए, चुनौतियां हमारे सामने हमेशा आती रहेंगी, इस चुनौतियों को अवसर में परिवर्तन, देखिए इस बात को समझने की। फिर मोदी जी की कोई बात कहते हैं तो लोगों को तकलीफ होगी, कांग्रेस के लोगों को। अवसर, ये चुनौतियां तो हमेशा आएंगी, लेकिन उसको अवसर में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये नौकरियों का विषय जो आपने कहा कि आज यहां पर है, ये कोई अभी का नहीं है, ये सरकारों को समझने की आवश्यकता है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। देश की आजादी के बाद 58-60 वर्षों में इंदिरा जी के समय से कि हम नौकरी देंगे, हम गरीबी हटा देंगे, नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन गरीबी कैसे हटेगी या हम रोजगार कैसे उपलब्ध कराएंगे? कभी कांग्रेस की सरकारों ने सोचा कि हम सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं दे सकते, इसलिए हमारे जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनके लिए हम कोई दूसरी रास्ता तय करें? क्या हम उनको उद्योग, क्या हम उनको रोजगार उपलब्ध करा सके? अब उनको रोजगार उपलब्ध के जरिए आपने 2 करोड़ सरकारी नौकरियों, जी हाँ बिल्कुल, उपलब्धि है। जो शर्मा जी ने भी कहा स्किल डेवलपमेंट का, यदि हर एक व्यक्ति के, हर एक युवाओं के हाथ में यदि हुनर होगा तो अपना जीवन यापन कर सकता है। और यदि वो रोजगार उपलब्ध, पेट्रोल डीजल पे, यदि वो अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है, कोई रिलैक्सेशन, अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहता है, बिल्कुल। कंक्लूडिंग रिमार्क आपका चाहूंगी।
कंक्लूडिंग रिमार्क। पेट्रोल महंगा तब लगेगा उद्योग स्थापित करने के लिए जब उसके पास जेब में पैसा नहीं होगा। मुद्रा बैंक की स्थापना मोदी जी की सरकार करती है, पचासों साल हो गए लोग बैंक में जाकर दर दर भटकते थे कि गारंटी चाहिए, आपको लोन नहीं मिलेगा। माननीय मोदी जी की परिकल्पना कि 10 लाख का लोन हम बगैर किसी गारंटी के देंगे, 10 लाख रुपया लोन करो। आज दो चार लोगों को नौकरी दे रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के लोन के लिए जब पहुंचे हुए थे तो उनको लोन नहीं मिला गया, जो हितग्राही थे उनको भी लोन नहीं दिया गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि पारदर्शिता है, पारदर्शिता होती तो शायद देश में इतने बेरोजगार युवाओं की संख्या नहीं होती। सुरेंद्र, क्योंकि वक्त की कमी है, सुरेंद्र जी से कंक्लूडिंग रिमार्क ले लेती हूँ। सुरेंद्र जी भाई, केंद्र सरकार से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, आपकी